हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक ट्रेंड X23 से। तो आज हम बात करेंगे ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस के मुतालिक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह सारी सिखा दी थी, तो आज हम थोड़ा सा इसके इन्वायरमेंट को या इसके लेआउट को हम चेक करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी स्क्रीन पर जाएंगे। एक्चुअली आप ये देखें लॉगिन कैसे होते हैं। लोकल होस्ट 8080 पोर्ट जो हमने कॉन्फ़िगर की थी /apex राइट, तो इसके थ्रू आप लॉगिन हो जाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। यहाँ से वो आपका वर्क स्पेस पूछेगा। वर्क स्पेस जो लास्ट लेक्चर में हमने बनाना सीखा था वो वर्क स्पेस, यूज़र नेम और पासवर्ड आप दें और साइन इन कर दें। तो सबसे पहले स्क्रीन आपको ये नज़र आएगी। आप देखें कुछ इसमें ऑप्शंस हैं। ऐप बिल्डर है, सबसे ज़्यादा काम हम ऐप बिल्डर में करेंगे। अपनी एप्लीकेशन जो बिल्ड करेंगे ज़्यादातर इस्तेमाल हम इसका करेंगे। SQL वर्कशॉप है, टीम मैनेजमेंट है, ऐप गैलरीज हैं। इसमें कुछ बिल्ट इन ऐप्स होती हैं जिसको आप इंस्टॉल करके, ओरेकल ने कुछ प्री बिल्ड एप्लीकेशन इसमें डाली हुई हैं, आप उसको इंस्टॉल करें और उसको चेक कर लें। ये देखें ये पूरी इसकी प्री बिल्ड एप्लीकेशन है राइट। ये SQL वर्कशॉप है, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, ये आपके स्कीमास में जितने भी टेबल्स हैं ये उनकी सारी डिटेल बता रहा है, ठीक है ना। इतने टेबल्स हैं आपके पास। SQL कमांड्स है, आप अपने यहाँ पे SQL की कमांड भी लिख सकते हैं। ये आपको पूरी कमांड्स रन करके बताएंगे। ये SQL की कमांड्स है तो आप SQL कमांड भी यहाँ लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट्स कुछ आपने लिखे हैं वो भी यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसकी यूटिलिटीज़ है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और रेस्टफुल सर्विसेज है राइट। तो अब हम चलते हैं अपने ऐप बिल्डर की तरफ। ये ऐप बिल्डर है हमारा मेन स्क्रीन ऐप बिल्डर की राइट। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ से जो आपकी एप्लीकेशन क्रिएट है या जो आपने बैकअप लिया हुआ उसको इम्पोर्ट करेंगे। ये डैशबोर्ड्स है और ये इसकी वर्क स्पेस यूटिलिटीज़ है जिस पर हम बाद में बात करेंगे। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में तो हम ऐसा ऐसा चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। न्यू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम आप दें, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पेजेस हैं। अबाउट पेज आपने ऐड करना है नहीं करना, एक्सेस कंट्रोल, फीडबैक, थीम्स, स्टाइल्स, एक्टिविटी रिपोर्टिंग। तो हम इसको अबाउट पेज को ऐड कर लेते हैं। और ये एप्लीकेशन आईडी है, ये यूनिक होना चाहिए। ये आपके स्कीमास का नाम है। स्कीमा समझते हैं आपके डेटाबेस का यूज़र राइट। और ये एप्लीकेशन एक्सप्रेस अकाउंट, इसको आप डेटाबेस भी लॉग, ये हम इस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे। एप्लीकेशन एक्सप्रेस अकाउंट क्या है और डेटाबेस अकाउंट क्या है राइट। तो ये कुछ सेटिंग है। फिलहाल हम एक अबाउट पेज ऐड कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन का नाम रख रहे हैं फर्स्ट एप्लीकेशंस। इसको आप क्रिएट करें। ये एप्लीकेशन आपकी क्रिएट हो रही है। तो ये आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है राइट। ये एप्लीकेशंस में कुछ पेजेस बाय डिफॉल्ट आपके क्रिएट हो चुके हैं राइट। ये जीरो ग्लोबल डेस्कटॉप, होम पेज, लॉगिन पेज, अबाउट और हेल्प, ये पेज आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। ये ऊपर देखें रन एप्लीकेशन है, आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रन कर सकते हैं और यहाँ से भी रन कर सकते हैं, यहाँ से भी रन कर सकते हैं, यहाँ से भी रन कर सकते हैं। सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, शेयर्ड कंपोनेंट है, यूटिलिटीज़ हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इसको हम देखेंगे बाद में। तो पहले आप ये देख लें, इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। हम चलते हैं अपने लॉगिन पेज की तरफ, इसको क्लिक करें और यहाँ से आप नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं राइट। लॉगिन पेज की तरफ चलते हैं।
ये एक स्क्रीन आपके पास आ गई लॉगिन पेज की, राइट। ये ऊपर देखें, ऊपर ये जो टूल बार है, आप ये टूल बार देखें, इसमें क्या है, इसमें आप इसको क्लिक करेंगे, अब यहाँ से अपने जो जितने भी आपके पेज क्रिएट हैं एप्लीकेशन में उस पर आप नेविगेट कर सकते हैं। आपको लॉगिन पेज पे नेविगेट करना है तो आप लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। अच्छा, इस चीज़ में एक बात याद रखिएगा, एपेक्स में आपके जो फॉर्म्स या आपके जो पेजेस बनते हैं वो नंबर के हिसाब से बनते हैं, उसका नाम नहीं, आप नंबर के हिसाब से बनाएंगे उसको, ठीक है। आप लॉगिन पेज पे नेविगेट करें, यहाँ पे आप पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट पेज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप देख लें, राइट। तो चलते हैं, ये उसका लेआउट है आपके पेज का, राइट। ये पूरा उसका लेआउट है आपके पेज का, जो मिडल की आपकी जो विंडोज नज़र आ रही है, लेआउट है। अब इस विंडोज़ पे आएं, जो ये डिज़ाइन विंडोज़ है आपकी, देखें इसमें आपके सारे इस पेज के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आपको यहाँ नज़र आएंगे। इसमें रीजन्स होते हैं, देखें पेज में एक रीजन है, रीजन के अंदर आपके एटम्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। कॉन्टेक्ट बॉडी है आपकी, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका टाइटल है, और इस आपके रीजन में ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। और ये इसमें बटन्स होते हैं, ठीक है। आप ये इस टैब पर डायनेमिक एक्शन में देखें, आपने कुछ डायनेमिक एक्शन बनाने हैं, जैसे पेज लोड पे, चेंज, क्लिक, डायलॉग पे, तो जो भी डायनेमिक एक्शन है वो आपके यहाँ पर बनेंगे। ये प्रोसेसिंग है, इस पर आपके कुछ प्रोसेसेस बनेंगे, जैसे मैं आपको एक लॉगिन का बता दूं, लॉगिन का जो प्रोसेस बना हुआ है ये देखें, एग्जांपल के तौर पे आप देखें, ये एक पूरा PLC कोड लिखा हुआ है, राइट। ये पूरा PSQL कोड लिखा हुआ है, राइट। तो ये विंडो एक्चुअली इनके एट्रीब्यूट्स और आपके पेज के अगेंस्ट जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसके यहाँ पे आपको इस विंडोज़ में नज़र आते हैं। और यहाँ पे नीचे देखें, ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, बटन हैं इसके अंदर, लिस्ट व्यू है, आपको लिस्ट व्यू ऐड करना है तो आप लिस्ट व्यू ऐड कर देंगे यहाँ पर, जस्ट लाइक दैट, जहाँ पे जाको आपको ऐड करना है आपकी लिस्ट व्यू आ जाएगी, राइट। आपको कोई बटन ऐड करना है तो आप बटन भी ऐड कर सकते हैं, फॉर्म ऐड करना है फॉर्म ऐड कर सकते हैं, राइट। आइटम्स हैं आपके, बटन्स हैं, आप बटन ऐड कर दें यहाँ पर जाकर, तो आपका लॉगिन बटन, आपका बटन, एक न्यू बटन ऐड हो जाएगा आपका, राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं इस विंडोज़ की तरफ, ये प्रॉपर्टीज विंडोज़ है, और जैसे ये यूज़र नेम है, यूज़र नेम के अगेंस्ट जितने भी उसकी प्रॉपर्टी हैं या एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको यहाँ शो करेंगे, ठीक है ना। इसका नेम, टाइप क्या है, लेबल क्या होना चाहिए, सेटिंग्स में आप देख लें सब टाइप, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। एट्रीब्यूट्स विंडोज है ये, हर एट्रीब्यूट की अलग विंडोज होगी, आपको यहाँ पे ऑप्शन चेंज नज़र आएंगे। पासवर्ड की देखें, नेम वेम, अगर आप बटन की विंडोज़ देखें, बटन की विंडोज़ आपको चेंज नज़र आएगी यहाँ पर काफ़ी कुछ। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स विंडो है, राइट। तो ये कुछ आज का इंट्रोडक्शन था, चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये रन हुआ है, इसको साइन इन करें, तो ये आपका देखें, ये इन्वायरमेंट आपने जो एप्लीकेशन बनाई कुछ तरह की नज़र इसमें नज़र आएगी। इससे हमने कुछ पेजेस वगैरह ऐड तो नहीं किए हैं, जैसे जैसे हम पेज ऐड करेंगे तो आपके पेज यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली पहला लेक्चर था सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए, आपको इन्वायरमेंट से फेमिलियर करने के लिए कि इसकी इन्वायरमेंट कैसी होती है। होप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।